रीवा जिले में मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो जाने के कारण एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बच्ची को आनन फानन में अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय मासूम फोन चला रही थी, इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से बच्ची बुरी तरह झुलस गई। बच्ची का एक हाथ, आंख और कंधा बुरी तरह से झुलस गया है। धमाके की आवाज सुनकर परिजन मासूम को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि इन दिनों मोबाइल ब्लास्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बता दें कि इससे पहले भी सतना जिले में मोबाइल ब्लास्ट के कारण दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं आज एक बार फिर रीवा में एक मासूम मोबाइल ब्लास्ट हादसे का शिकार हुई है, जिसका गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। मोबाइल ब्लास्ट की लगातार सामने आ रही खबरों से हम सबको मोबाइल से सावधान रहने की आवश्यकता है। मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल करने से बचें, खास तौर पर चार्जिंग के दौरान या हेडफोन लगाकर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। राम कुमार, हमारा नतीनिया है, क्या हुआ है? मोबाइल से वो हो गया है, मोबाइल फट गई, मोबाइल कहाँ चोट आई है? ये हाथ, ये चला गया, सब उड़ गया, ये बिल्कुल नहीं रह गया है, ये हड्डी यहाँ की ये सब चली गई, आँख ये चली गई। उम्र रही होगी बच्ची की? वो 15-16 साल की है, अभी 8वीं पढ़ रही है सर। आज की घटना है? आज की घटना की? कौन से गांव की? कुम्हिया। कौन सा लगता है? बांसागर। घटना हुई है 10 बजे के करीबन। बच्ची मोबाइल देख रही थी? हाँ, बच्ची मोबाइल देख रही थी, और वही हम ही थे, कपड़ा साफ करते थे, सबे को रहा, अपन हम अब क्या जाने के क्या लिए है, हमरे जान के छाया में बैठी है देख, तो अब ये क्या जाने की मोबाइल लिए, हम अगर देख लेते कि मोबाइल लिए तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं, तब हम देख ही नहीं रहे, वो तो ठो उतरी एक बार। एक हम पढ़े लिखे नहीं सर, क्या कौन कंपनी का है, कौन कंपनी का नहीं है, हम मूर्ख आदमी। हालत ठीक है? गंभीर, बहुत गंभीर हालत है, बहुत गंभीर है। अभी नहीं, बब्बा है, लाला बब्बा है।